हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केक रूम। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेकिंग से रिलेटेड या डेकोरेशन से रिलेटेड जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सो आज मैं आपके लिए ये ट्रिक लेकर आई हूँ कि अगर आपको बटर पेपर चाहिए बेकिंग के लिए, तो अब आप मार्केट से परचेस नहीं करके आप घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से बटर पेपर बना सकते हैं। बटर पेपर बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहले हम बात करते हैं पेपर की, तो पेपर हम नोटबुक का पेपर यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई ब्लैंक पेपर हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर A4 साइज़ का पेपर भी यूज़ किया है। तो ये एक तो हमें पेपर की ज़रूरत होगी, और दूसरा हमें चाहिए होगा ऑयल। ऑयल हमारा रिफाइंड ऑयल होना चाहिए, ये खुशबू वाला ऑयल हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। एंड ऑयल को स्प्रेड करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास अगर ऑयल ब्रश है तो हम ऑयल ब्रश यूज़ कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो हम कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बटर पेपर बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम ऑयल ब्रश से ऑयल को पेपर पर स्प्रेड करेंगे। सो ब्रश में ऑयल लेकर हमें उसे इक्वली पेपर पर सब जगह स्प्रेड करना है। तो यहाँ पर हमने पूरे पेपर पर ऑयल को स्प्रेड कर दिया। हमें पेपर के एक ही साइड पर ऑयल लगाना है। उसी तरीके से अब हम जो हमने दूसरा फाइल का पेपर लिया था या नोटबुक का पेपर लिया, अब उस पर भी हम ऑयलिंग करेंगे, लेकिन अब हम यूज़ करेंगे कॉटन को। तो कॉटन को कैसे यूज़ किया जाता है? कॉटन को ऑयल में डिप करके इक्वली उसके पेपर के ऊपर हम उसे स्प्रेड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ऑयल को अच्छे से पेपर पर लगा लिया है। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें टेबल क्लीन करनी है एक कॉटन के कपड़े से। अब हम पेपर के ऊपर लगा जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको इस कपड़े की हेल्प से अच्छे से साफ़ कर देंगे। ऑयल को पेपर के आगे से और पीछे से दोनों साइड से हमें साफ़ करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बटर पेपर है वो बनके रेडी हो गया है। ये बटर पेपर एग्जैक्टली सेम वैसा ही काम करेगा जैसा हम मार्केट से परचेस करके लाते हैं। तो बटर पेपर आप एक साथ बहुत सारे बना के रख दीजिए, ताकि आपको जब ज़रूरत हो अब तब आप इसको यूज़ कर सके, और ऐसे आप फोल्ड करके भी पेपर को रख सकते हैं। नेक्स्ट, इसी के साथ मैं आपको अब ये बताऊंगी कि बटर पेपर को मोल्ड में अच्छे से सेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पेपर को इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। ये हमने पेपर को अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, पेपर के टिप को मोल्ड के सेंटर में रख कर इस तरीके से पेपर को सीजर से कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया है। तो अब आप देखिए, सो देखिए बटर पेपर जो है वो अच्छे से पूरे बेस में हमारे राउंड शेप में सेट हो गया है। सो आई होप गाइज आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।